दोस्तों आज मैं आपसे एशिया के एक बेहद ही खास देश कंबोडिया के बारे में बात करूंगा, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ कंबोडिया है। यहाँ की कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी नोम पेन है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज खमेर है। खमेर के अलावा भी यहाँ पर चाम और फ्रेंच भाषा भी काफी लोगों के द्वारा बोली जाती है। दोस्तों यहाँ पर चलने वाली करेंसी कंबोडियन रियल है, जो हमारे इंडिया से काफी ज्यादा नीचे है, और हमारे इंडिया का एक रुपया ही कंबोडिया के 59 रियल के बराबर है। एशिया में होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इस देश के बारे में नहीं जानते होंगे। असल में ये देश थाईलैंड के पास बसा हुआ एक बेहद ही छोटा सा देश है, जिसे खासा गरीब देश माना जाता है। दोस्तों ये देश पुराने बौद्ध मंदिरों के वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहने को तो ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, मगर ये बात सिर्फ कहने को ही सही लगती है, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर एक ही सरकार काम कर रही है और दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो इस सरकार की जगह ले पाए। दोस्तों इस देश का इतिहास बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है, और 1975 से लेकर 1979 के बीच इन 4 सालों में ही यहाँ की सरकार द्वारा यहाँ के 25 लाख से भी ज्यादा लोगों को मारा गया था। इन 25 लाख लोगों में सबसे ज्यादा वो लोग थे जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, या फिर जो लोग मंदिरों के पुजारी थे। दोस्तों इतने सारे लोगों को मारने की वजह ये थी कि सरकार के लीडर चाहते थे कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने वाला ना हो, और आज के दिन भी यहाँ के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कम उम्र वाले बच्चे हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग अपना हैप्पी बर्थडे मनाना तक भी पसंद नहीं करते, और 62% लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपने जन्मदिन के बारे में भी नहीं पता होगा। दोस्तों इस देश के मंदिर पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस माने जाते हैं, और यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर माना जाता है, जिसका नाम है अंकोर वाट, और इसे दुनिया के काफी पुराने मंदिरों का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों इस देश को दक्षिण पूर्व एशिया के काफी गरीब देशों में से एक माना जाता है, मगर पिछले कुछ समय से इस देश ने खुद को काफी ज्यादा डेवलप किया है। शायद आप सभी को विश्वास ना हो कि गरीब देश होने के बाद भी यहाँ के 78% लोग पूरी तरह से वेल एजुकेटेड हैं। यहाँ के लोग बहुत ही गरीब माने जाते हैं, और उनका लाइफस्टाइल भी काफी ज्यादा लो लेवल का ही माना जाता है। इस देश में करप्शन भी बहुत ही ज्यादा होती है, और करप्शन की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की बुरी सरकार और यहाँ पर कम पैसे का होना। दोस्तों कंबोडिया के लोगों के द्वारा सर को छूना काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है, इसलिए वहाँ के लोग कभी भी एक दूसरे के सर को कभी नहीं छूते। दोस्तों एशिया का ये बेहद ही खास देश आज के दिन अपनी हिस्ट्री की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, और पूरी दुनिया इसकी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जान चुकी है। तो दोस्तों ये थे कमाल देश कंबोडिया के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर करना, और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।